हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि कोई रेस्टोरेंट में हलाल फूड है या जो झटके वाली मुर्गी है वो सर्व कर रहे हैं? तो इसी इशू को लेके आज SP कॉर्पोरेटर रई शेख जी ने FDA और म्यूनसिपल कमिश्नर को लेटर दिया है ताकि ये इंश्योर हो सके, ये अश्योरेंस मिल सके कि रेस्टोरेंट्स के बाहर वो एक सर्टिफिकेट लगाए ये बताने के लिए कि वहाँ पे जो चिकन सर्व होएगी वो हलाल होनी चाहिए। बात करते हैं रई शेख जी से। देखिए, मैंने आप ही के गली न्यूज़ में एक स्टोरी देखी थी कि डोमिनोज पिज़्ज़ा के रेस्टोरेंट के अंदर नॉन हलाल मीट सर्व हो रहा है। फिर मैं एक बार डोमिनोज गया भी था तो काउंटर पे जाके पूछना पड़ता है कि ये हलाल है कि नहीं है। गफलत में बहुत सारे लोग खा भी लेते होंगे। आप खुद जानते हैं कि मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है, बल्कि फ़र्ज़ है कि हम हलाल फूड खाएं। तो मेरा ये कहना है कि मैंने FDA को लिखा है कि आप ऐसे रूल्स बनाएं, और BMC को कहा है कि आप ऐसे रूल्स इम्प्लीमेंट करें कि हर रेस्टोरेंट के बाहर हलाल सर्टिफिकेट लगा हो, और अगर वो सर्टिफिकेट ना हो तो इसका मतलब है ये नॉन हलाल है। अब फैमिलीज के साथ हम लोग जाते हैं, अचानक महसूस होता है कि रेस्टोरेंट कंफर्टेबल नहीं है, तो हम इंक्वायर करते हैं कि हलाल है कि नहीं। कभी अच्छा सही आंसर मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये डिमांड किया है, और मैं FDA कमीशन से मिलने भी वाला हूँ कि आप ये नॉर्म्स बनाएं और इंश्योर करें कि हर रेस्टोरेंट जो है ये डिस्प्ले करे। दोस्तों, डोमिनोज पिज़्ज़ा के बारे में बात करें, क्या डोमिनोज पिज़्ज़ा जो है हलाल फूड सर्व करती है? अब सुन सकते हैं पूरा डोमिनोज और गली न्यूज़ की कंफर्मेशन के चिकन हलाल है कि नहीं बात बारे में। ये देखिए रिकॉर्डिंग। गुड इवनिंग, माय नेम इज भावेश, मैं देखिए ऑर्डर प्लीज। भावेश, आई वांट टू ऑर्डर अ नॉन वेज पिज़्ज़ा। ओके, आई जस्ट वांट टू नो फर्स्ट। हेलो, बोलिए भावेश। सी बेसिकली आई एम अ मुस्लिम, सो आई जस्ट वांट टू इंक्वायर वेदर द चिकन यू सर्वड इज अ हलाल और नॉट। Sir, it's not halal, sir. It's not halal. Achha. So, it's not halal. So, have you written any board or something that we don't serve halal chicken or something like this to caution the public? Yes, sir. No, sir. It's in a, if you read about the Domino's, sir, about the products, sir, it's written on a website that we don't serve halal meat, sir. It's written on the website? Yes, sir. It's about the product query, sir. If you go ahead, it's written on that, sir. So what is your site name, website, www.domino's.co.in, sir? I'm checking my computer, Domino's, online ordering, order Domino's pizza, every coupon, where it is written halal? Okay, I'll just tell you, ma'am, give me a minute, sir. Hello, sir. Yes. Hold on, sir, abhi available nahi hai, sir. पर डेट आई अश्योर यू वेबसाइट पे है नहीं सर अभी, वो पर वो अश्योर्ड है सर। तो आपको ये काम नहीं है कि आप, इज दिस नॉट अ ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स के दे आर नॉट हलाल? आपका फर्ज बनता है ना सर ये चीज, आप इसको हाईलाइट कीजिए, आप वो बताएं कस्टमर्स को। आप अंधेरे में रख के आप ये करते हो, आप अपना डोमिनोज कैन यू पुट ऑन मी टू द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ समवन हायर अथॉरिटी ऑफ योर्स? यस सर, आई सर्टेनली डू सो सर। Yeah, please put him on the line. Call. Yes, sir. Can I please put your call on hold to connect it to him? Yeah, please. Your call is important to us. We will assist you shortly. जब गली न्यूज ने उनसे सवाल किया कि आप लोग यहाँ पे हलाल और नॉन हलाल फूड डिस्क्लोज क्यों नहीं करते, आपको हर आउटलेट में कम से कम बताना चाहिए कि यहाँ पर हलाल है, ताकि जो मुस्लिम्स लोग जो जाते हैं उनको पता चले यहाँ पर हलाल सब होता है या नहीं होता है। तो उनकी जो जिन्होंने फ़ोन उठाया था, उन्होंने कहा कि हमने वेबसाइट पर डाला है, आप देख सकते हो। गली न्यूज़ ने वेबसाइट पर चेक किया, वेबसाइट पर चेक करने के बाद वहाँ पर कोई हलाल और हराम फूड के बारे। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनलाइन सर, माय नेम इज विपुल, हाउ मे आई असिस्ट यू? विपुल, विपुल जी, हाँ सर बोलिए। कैन यू टेल मी व्हाट पोस्ट यू आर होल्डिंग इन दिस डोमिनोज? यू आर एज ए सर फ्लोर सुपरवाइजर सर। फ्लोर सुपरवाइजर, मिस्टर व्हाट इज योर नेम? Vipul. Vipul ji, see, first of all, I came to know your colleague told me that you are not serving halal chicken, right? It's a processed chicken. Is it right? Yes, sir. Now, abhi kaisa kya na, kaise, there are nothing mentioned on your Domino's website. Can you tell me the reason? One second, I will check in the... No, your person has already checked it.
उसने पहले ही चेक कर लिया है इसलिए आपको लाइन दिया। उसने मुझे कहा कि वेबसाइट पे था, मैंने वेबसाइट खोला, वेबसाइट पे नहीं है। तो क्या आप रीजन बता सकते हो कि क्यों नहीं है? बिकॉज मुस्लिम डोंट ईट हलाल विदाउट यू नो, मुस्लिम ओनली ईट हलाल मीट, हलाल फूड। यस, तो ये आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोग धोखा दे रहे हो कस्टमर्स को, मुस्लिम कस्टमर्स को? व्हाई यू आर हाइडिंग इट? इवन द शॉपर इन एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आई थिंक इट सेज कि यू शुड मेंशन व्हेदर इट्स हलाल और नॉट, एंड एनी ऑफ योर आउटलेट इट इज नॉट रिटर्न कि इट इज हलाल और नॉट। यस सर, आई टोटली एग्री विद योर कंसर्न सर, एंड आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट सर। अपोलोजाइज? आप धर्म भरस कर रहे हो भाई, केस बन सकता है आपके ऊपर, अपोलोजाइज होने से थोड़ी चलेगा। Why you are hiding it when you are, आप सब चीज दे रहे हो, आप अपनी तारीफ लिख रहे हो, ऑनलाइन ऑर्डर ये वो, हेल्पलाइन ये वो, इतने दिनों में डिलीवरी करोगे, बट यू आर नॉट मैंशनिंग, यू आर हाइडिंग द फैक्ट। आप लोग कस्टमर से छुपा रहे हो कि हलाल फूड है कि नहीं, क्या? What is the reason? Can you put it on me to the higher authority? One second sir, I need to check it out first. Can or you give me the number, I'll call them directly. This is not the way. It is playing with the community sentiment. Definitely, sir. Please be online for a moment. Thank you for being online, sir. Yeah. Yeah, I have checked, but it's not mentioned. So what I can do, I can forward your suggestion to the to our concern. Suggestion? It is a rule, boss. No suggestion. I'm ordering you to put it on it. I'm not requesting you. मैं आपको order कर रहा हूँ कि आप डालिए इस पे। आपका नाम जान सकता हूँ मैं सर? सलीम शेख है। It's not a request, it is by rule. You have to put it. And the fact you have hide it, you have to repent for this, boss. Aapko apologize karna padega. I am calling from a media, galinews.com. I got a complaint regarding this, but lots of Muslims customers are, you know, flooded with undominos. And you are hiding the fact. I'm extremely very sorry for that. Don't worry, what I can do, I can forward the... forward the suggestion to our concerned team. I said please don't use the word suggestion, mat use kijiye aap. Ye suggestion nahi hai, it's a rule and you have to follow the rule. It's yes, a rule to disclose ki whether you are serving a halal food or not. Yes sir. Can you please tell me not without word, the word suggestion? Aap suggestion word use karne ke baad boliye, boliye abhi aap wapas se. Ji, I will inform to my concerned team regarding this concern. Right, sir. That is the right word. Please do it so and wait for my news also. Thank you very much. One second, sir. So what I can do, I can forward this and provide you the number. Take my number. Take my number. 9820903527. Take my number. I want the response from your side because it's going to be air anytime and you have to face the consequence of hiding the fact. आपने जो इतने महीनों से बात छुपा के रखी है उसका आपको कॉन्सिक्वेंस भरना पड़ेगा। इट इज प्लेइंग विद मुस्लिम सेंटिमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। आप लोग बोर्ड लगाते हो, सऊदी में बोर्ड लगाते हो, यहाँ लगाते हो, इंडिया में क्यों नहीं लगाया आपने? एक्सट्रीमली वेरी सॉरी सर, व्हाट आई कैन डू, आई कैन फॉरवर्ड दिस। टेक माय नंबर 9820903527। I have taken your number, sir. Can you please provide me the detail address that you have so I can forward the... I am not ordering a pizza, brother. Mujhe address dekhi kya karna hai? Main order thodi de raha hu. I have given you my number. If you have any clarification, call on this number. Why you want my address? No, I need to forward this. You just say a person from Gali News, GALLINEWS, GALLINEWS.com, Salim Sheikh, 9820903527, and he had inquired about this And I want somebody to speak on behalf of the Domino's. Definitely, sir. Right, sir? Now I'm going to air this conversation also with you. Thank you, sir. Thank you for calling Domino's. And please do the same. Yeah. Okay. Yes, sir. दोस्तों देखिए, क्लियरली ये हो गया है कि डोमिनोज फूड जो है हलाल फूड सर्व नहीं करती है। ज़्यादातर मुस्लिम्स लोग को देखा गया है कि वो डोमिनोज में पिज़्ज़ा घर पे मंगवाते हैं या फूड खाने जाते हैं, आउटलेट्स में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सऊदी, गल्फ़ कंट्रीज़ में, ये अमेरिकन लंडन में, यूके यूएस में, वहाँ पर हर आउटलेट में लिखा रहता है कि यहाँ पर हलाल फूड सर्व होता है या नहीं होता है। तो क्यों ना ये चीज़ जो है इंडिया में हो,
इतने सारे इंडिया भर में आउटलेट है, इतने सारे मुस्लिम आबादी है, तो कहीं ना कहीं एक रूल होना चाहिए। एक बात हमको डोमिनोज की अच्छी लगी कि उन्होंने डायरेक्टली क्लियरली कह दिया कि हलाल फूड नहीं होता, ऐसा घुमाया नहीं। और जब हमने इंक्वायरी की तो हमें ये भी पता चला कि आप अगर काउंटर पर जाके पूछे तो वो पता चलता है कि हलाल, वो क्लियरली बता देते कि हलाल नहीं है। अब जो लोग नहीं पूछते, जो लोग इस बात से अनजान है, जो लोग को पता है कि हलाल फूड नहीं है और मुसलमान जाके खाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी कोई बात नहीं, मगर जो लोग अनजान हैं उनको ये बता दें कि भाई डोमिनोज जो है हलाल फूड सर्व नहीं करती है, ये देखिए। और कहीं ना कहीं ऐसे कानून होना चाहिए जो डिस्प्ले करे, क्योंकि ये मुस्लिम के सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट होता है, और हमारे इस्लाम के हिसाब से भी हलाल फूड खाना जायज़ है, और जो जो फूड हलाल नहीं है वो खाना जायज़ नहीं, वो हराम कहलाता है। तो दोस्तों हमने आपको डोमिनोज की बात बता दी, अभी हम जो है दूसरे आउटलेट्स बड़े बड़े हैं जो पिज़्ज़ा हट होते हैं, जो मैकडॉनल्ड, उसके बारे में भी आपको कन्फर्मेशन देंगे। ये तो हम उनके ही ज़बानी से आपको, हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने भी मुस्लिम नेता है जो भी है वो एक एक ऐसा प्रोविजन करे कि फूड डिक्लेरेशन हो। FDA से भी रिक्वेस्ट है, BMC से भी रिक्वेस्ट है कि हर आउटलेट में एक डिस्क्लोज हो जाए कि ये यहाँ पर हलाल फूड सर्व होती है या नहीं होती है। हलाल फूड हम आपको बता दें, इस प्रोसेस ऐसा होता है जो चिकन को कट करके यानी सेक्रीफाइस किया जाता है, जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है, और इस्लामिक तरीके से उसके पूरे जो चिकन का है उसके पूरे बॉडी का ब्लड निकाला जाता है। हम आपको इसके बारे में आगे और एक जानकारी देंगे हलाल और हलाल के बारे में, मौलानाओं से हम इसके बारे में पूछेंगे, आपको बताएंगे। पर इतना क्लियर हो गया कि डोमिनोज जो है हलाल फूड सर्व नहीं करती है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर पड़ता है, जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके लोगों तक ये पहुंचाइए, मुस्लिम्स तक ये पहुंचाइए, अब उसके बाद उनकी मर्ज़ी कि हमको खाना है कि नहीं। सलीम शेख, गली न्यूज़।